करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर दोस्तों अच्छे नहीं भी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, क्योंकि शाओमी की तरफ से आज जो है 2 अगस्त और शाओमी की तरफ से कुछ डिवाइस के लिए यहाँ पर जो है अपडेट को रोल आउट किया गया है। तो गाइज यार ये कौन कौन सा डिवाइस है आप सभी को कैसे पता चलेगा, तो गाइज यार इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन सा डिवाइस को यहाँ पर अपडेट जो है रोल आउट किया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आप सभी को हर अपडेट से रिगार्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहला डिवाइस है तो फाइनली रेडमी 9 प्राइम जैसे स्मार्टफोन को चाइना में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखना है कि हमारे इंडिया में ये जो डिवाइस है इसे कब रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि हमारे इंडियन यूज़र काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे इंडिया में कब जो है अपडेट देखने को मिलेगा रेडमी 9 प्राइम डिवाइस में, और चाइना में देखने को मिल चुका है। तो गाइज यार कोई भी अपडेट चाइना में रोल आउट हो जाता है हमारे इंडिया में 15 से 20 दिनों के बाद देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि उम्मीद करते हैं शाओमी से कि इस अगस्त के एंड तक अपडेट को प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिया में। उसके बाद दोस्तों रेडमी नोट 7 सीरीज को फाइनली ग्लोबल में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल चुका है, और एक बार फिर से। उस समय तो अपडेट पार्शली यूजर पायलट यूजर को देखने को मिल रहा था, पर अब परमानेंटली वहाँ की यूजर को देखने को मिल चुका है। अब देखना यह है कि इन सभी डिवाइस को जो अपडेट है हमारे इंडिया में कब रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों रेडमी नोट 9S इसी डिवाइस को फाइनली ग्लोबल में 12.0.4.0 का अपडेट देखने को मिला है। हालांकि इस डिवाइस में अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट को नहीं रोल आउट किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर रेडमी नोट 10 डिवाइस को भी अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो काफ़ी सारे यूज़र ये सवाल पूछ रहे हैं कि रेडमी नोट 10 डिवाइस में MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा। तो गाइज यार अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है रेडमी नोट 10 डिवाइस में अभी तक MIUI 12.5 का जो अपडेट है क्यों रोल आउट नहीं किया गया है। हालांकि Redmi Note 10 Pro, Pro Max इन दोनों डिवाइस में MIUI 12.5 का अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है। हाल ही में Redmi Note 10 Pro डिवाइस में MIUI 12.5 का नेक्स्ट अपडेट को रोल आउट किया गया है 12.5.6.0 का हमारी इंडिया में। तो ये जो अपडेट है अभी MI पायलट यूजर को मिला है, सभी यूजर को देखने को नहीं मिला है। हालांकि यही अपडेट जो है Xiaomi की तरफ से ग्लोबल और इंडिया में कुछ यूजर के डिवाइस में, मतलब जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस यूज करते हैं उनके डिवाइस में 12.5.4.0 का और 12.5.5.0 का अपडेट यहां पर रन कर रहा है कुछ कुछ डिवाइस में। मतलब किसी डिवाइस में जून का सिक्योरिटी पैच है तो किसी में मई का, और ये जो रिसेंट में अपडेट रोल आउट किया गया है ये जुलाई का सिक्योरिटी पैच है। अब देखते हैं क्या करता है Xiaomi Redmi Note 10 Pro डिवाइस में कब सभी यूजर को ये जो न्यू अपडेट है उसे रोल आउट करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास पोको M3 और Redmi Note 10T इन दोनों डिवाइस के लिए बात करते हैं तो दोस्तों इन दोनों डिवाइस में अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। इसे MIUI 12 का ही साथ ही लॉन्च किया गया है, पर दोस्तों इन दोनों डिवाइस में भी अभी न्यू अपडेट रोल आउट किया गया है Xiaomi की तरफ से ग्लोबल में। आप देखते हैं हमारे इंडिया में कब इन दोनों डिवाइस को न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास पोको X3 डिवाइस है तो फाइनली इस डिवाइस को भी MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल में और चाइना में, पर हमारे इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कितना समय लगाता है हमारे इंडिया में इस डिवाइस को अपडेट को लेकर। Xiaomi से उम्मीद रखे हैं कि इस अगस्त के एंड तक इन सभी डिवाइस में अपडेट जो है प्रोवाइड कर दे। तो गाइज यार इस वीडियो में कुछ इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो कि हम आप सभी को बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।